तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जेपीजी फाइल है, इसको हम टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं कि आप इसको डॉक फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप यही सोचेंगे यार इसको टाइप कर लें, मान लीजिए ऐसे आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं, या फिर आपको कोई फ्रीलांस से आपको जॉब मिलती है और आप वो बोलता है कि भाई इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं, पीपल पर आर में भी आपको मिल जाता है, और उसके बाद में आपको फाइवर पे हो गया, फ्रीलांसर्स पे हो गया, तो बहुत सारी साइट्स जो हैं कि वो आपको ऐसे टाइपिंग वर्क्स जो है प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको फाइल्स दे देते हैं, जेपीजी फाइल दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको आप हमें कन्वर्ट करके दीजिए। तो जैसे कि अब मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये मैंने जस्ट हमारी काफ़ी पुरानी कॉपी एक पड़ी थी, उससे मैंने पिक क्लिक की है, और आपको जो मिलती है वो मोस्टली स्कैंड होती हैं और अच्छी क्वालिटी होती है, ये उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, ना तो जो लेटर्स हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे भी नहीं हैं। तो फिलहाल चलिए इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बताऊंगा, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना हो, जस्ट आपको गूगल का यूज़ करना है। तो ये हमारी जो पिक है वो डेस्कटॉप पे यहाँ पे पड़ी है, और इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले अदर टैब्स हम क्लोज कर देंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, ठीक है। गूगल ड्राइव पे आने के बाद में ये जो आपको न्यू ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक करेंगे और फाइल अपलोड करेंगे आप। तो फाइल जैसे अपलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ से अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे राइट बॉटम में, तो यहाँ पे ये साइट आपका कंप्लीट हो गया है, ये अपलोड हो गई है। अब आपको रिसेंट में आना है, बहुत ही सिंपल मेथड है, राइट क्लिक करना है जो भी आपकी फाइल है, ओपन विद गूगल डॉक्स करना है, बहुत ही इजी मेथड है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। आप इसी तरीके से सारी पिक्स आप अपनी यहाँ पे गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद में जस्ट आपको करना क्या है, थोड़ा बहुत फोटोशॉप वगैरह आप ज़रूर उसको कर लेंगे। फोटोशॉप करने से फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें मान लीजिए आपको बहुत सारे एरोज़ वगैरह बने हैं, तो उनको क्रॉप कर दीजिए और थोड़ा सा उसको डार्क कर लीजिए, ताकि गूगल जो है इसके टेक्स्ट को समझ सके। तो अभी यहाँ पे आपके ऊपर इमेज है, और नीचे जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा टेक्स्ट मिल जाता है। तो ये देखिए थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी, तो आप उसको एक बार मैच कर लेंगे और टेक्स्ट को सही कर लेंगे, क्योंकि जो टेक्स्ट इसको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको भी भले उल्टा सीधा कर दियो, बाकी वंस आ क्लियर क्लियर बॉय। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं बिल्कुल परफेक्टली, गलतियाँ वही होंगी जो टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं राइटिंग वर्क कैसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे डॉक फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक काम करेंगे, ये इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल आपकी क्रिएट हो जाती है, इसको राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पहले एक ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसलिए इसका यहाँ पे कॉपी बन के आ गया 01। तो अब इसको मैं ओपन करूँगा, और इनेबल एडिटिंग करने के बाद में ये जो हमारा फाइल है इसको आप डिलीट कर सकते हो, इमेज है, और इसको भी डिलीट कर देंगे। बाकी का जो ये है थोड़ा सा इसको साफ़ सुथरा भी आप बना सकते हो अपने हिसाब से, आपको कैसे क्या करना है, फॉर्मेटिंग वगैरह आप चेंज केस कर सकते हो इसका, जो भी आपको समझ में आए आप वो कर सकते हो। तो क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, तो नॉर्मल आपका जो टेक्स्ट से उसने फॉर्मेटिंग उठाई थी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है, और अब ये नॉर्मल हो चुका है, सारी चीज़ें नॉर्मल। तो अब देख रहे हैं कि कैसे क्या इसने कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही इजी मेथड। आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और डीके वेबटेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डीके वेबटेक को सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।